गाइस मैं आज की इस वीडियो में ये मोनेटाइजेशन के बाद जो रेवेन्यू आती है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि गाइस मोनेटाइजेशन होने के बाद हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि अब मैं पैसे अर्निंग करने लगूंगा, लेकिन गाइस वो पैसे अर्न नहीं होने लगते हैं। इनका क्या रीज़न है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मुझे बहुत ही पछताना पड़ता है कि काश मैं अगर ये गलती नहीं करता तो आज मेरे महीने के एक महीने में दो महीने में मेरी $100 पूरा हो जाता और मेरा इनकम आ जाता फर्स्ट पेमेंट। लेकिन गाइस ये नहीं होता है, क्योंकि गाइस बहुत सारे क्रिएटर जो है कि आज के डेट में ये प्रॉब्लम कर देते हैं जिनके कारण उनका फर्स्ट पेमेंट आने में बहुत सारा समय लग जाता है। अगर मान लो कि मैं कहूँ तो 6 से 7 महीने भी लग सकता है या साल भी लग सकता है, तो उनका अर्निंग क्यों नहीं इंक्रीज होते हैं ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट किए हुए। यूट्यूब पर हमने एक चैनल बनाई, अपने सपनों के साथ यूट्यूब पर वीडियो फैलाई, पर क्या पता मेरी किस्मत ही खराब थी जो चैनल मोनेटाइजेशन के बाद भी हमारी अर्निंग नहीं हो पाई। तो गाइस ये प्रॉब्लम जो है आजकल हर किसी के साथ हो रहा है, क्योंकि गाइस जब वो चैनल को क्रिएट करते हैं तो वो बहुत सारे सपने लेकर अपने चैनल को क्रिएट करते हैं और अपने चैनल को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस जब वो धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते हैं तो उनके चैनल पर जब ग्रो नहीं हो पाते और उनके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो उनके माइंड में एक ख्याल आता है कि मैं जब इस तरीके से करता रहूँगा और मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा लेकिन मेरे वीडियो पर जो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आखिर मेरे कब तक मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का घंटा पूरा होगा और कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और कब मैं अर्निंग करूँगा यूट्यूब से। ऐसे में तो कई सालों बीत जाएंगे और मैं यहाँ पर यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तब जा करके उसके माइंड में यह ख्याल आता है और वो दूसरे दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है कि वो इधर उधर से सब फॉर सब करके या फिर किसी भी एप्लीकेशन के जरिए से या किसी भी वेबसाइट के जरिए से या किसी भी तरह से वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटा पूरा कर लेता है। पूरा कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटा पूरा करने के बाद उन्हें बहुत ही खुशी मिल जाता है, जो कि वो अब सोचता है कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने चैनल को रिव्यू में भेजने की कोशिश करता है, जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता है, तो वहाँ पे उनका फर्स्ट स्टेप जो है कि डन हो जाता है। जब सेकंड स्टेप में आती है बारी तो वहाँ पे कई लोगों की 90% लोगों की जो प्रॉब्लम वहाँ पे फंस जाती है, जिनके कारण उनका 2 स्टेप जो है कि डन नहीं हो पाता है, क्योंकि गाइस वहाँ पे जो है कि 2 स्टेप में एडसेंस के प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो लोग सही से जानते हैं और सही से उसमें एडसेंस को अकाउंट को फिल कर देते हैं तो उनका 2 स्टेप जो है कि डन हो जाता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे 2 स्टेप जो है कि इन प्रोग्रेस या फिर वहाँ पे एडसेंस एरर बताने लगता है। तो 2 स्टेप वहाँ पे पूरी तरीके से कहूँ तो 2 स्टेप वहाँ पे डन नहीं होता है, तब उनको जो है कि बहुत बुरा लगता है और जो उनकी खुशी होती है वहाँ पे 50% जो है कि कम हो जाती है 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम घंटा पूरा होने के बाद भी। लेकिन गाइस वो कई यूट्यूबर से कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने के बाद वहाँ पे वो उसका 2 स्टेप डन हो जाता है। डन हो जाने के बाद यहाँ पे भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, तब वहाँ पे जाता है 3rd नंबर पे। जब वहाँ 3rd नंबर पे प्रोग्रेस में जाता है तो वहाँ पे यूट्यूब चेक करता है। अब वहाँ पे यूट्यूब की बारी आती है, यूट्यूब पर वहाँ पे चेक करता है कि आप वहाँ पे अपने चैनल पे किस तरह के कॉन्टेंट को अपलोड किए हो, किसके कॉन्टेंट को अपलोड किए हो, उसमें किसी का दूसरे का कॉन्टेंट तो यूज नहीं किए हो या फिर 3rd पार्टी वेबसाइट के जरिए से किसी भी वीडियो को प्रमोट तो नहीं करवाए हो, कहीं पर सब फॉर सब के जरिए से वहाँ सब्सक्राइबर तो इंक्रीज नहीं किए हो, किसी भी एप्लीकेशन के जरिए से आप वहाँ पे वॉच टाइम तो इंक्रीज नहीं किए हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करता है यूट्यूब। अगर आपके चैनल के अंदर कोई सा भी जरा सा भी प्रॉब्लम फंस जाती है तो वहाँ पे यूट्यूब जो है कि मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देता है। अगर आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप वहाँ पे जेन्युइन कॉन्टेंट बनाते हो और आपका कॉन्टेंट ओरिजिनल होता है, तब जाकर के वहाँ पे आपका 3rd नंबर जो है कि डन होता है। अब आपको वहाँ पे मेल आता है कि कंग्रेचुलेशन आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया, यानी कि पार्टनर प्रोग्राम में आपका वहाँ पे फिक्स हो गया, तब जाकर के उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है, जो कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब मैं पैसे अर्न करने लगूंगा। लेकिन गाइस मोनेटाइज हो जाने के बाद दिनों के बाद वहाँ पे वीडियो एड चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि गाइस मोनेटाइजेशन होने के रिसेंटली वहाँ पे वीडियो पे एड नहीं आते। लेकिन गाइस जब वहाँ पे वीडियो एड चलने लगते हैं तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है कि अब मेरे पैसे अर्निंग होने लगेंगे। लेकिन गाइस जब ऐसे करते करते 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी उनका $10 भी नहीं पूरा होता है, बिकॉज गाइस वहाँ पे उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। उनके वीडियो पर 20, 30, 50, 100, 200, 400, 500 इस तरह के व्यूज आते हैं। तो ऐसे में करके उनका चैनल पर कब तक $100 पूरा होगा? व्यूज नहीं आने के कारण उनके डॉलर अर्निंग नहीं होते हैं, उनके रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उसका $100 कब तक पूरा होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। तो गाइस ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गाइस हम शुरुआती में ही फोकस नहीं करते हैं कि हमारे चैनल पर
ग्रो कैसे होगा और हमारी वीडियो पर व्यूज कैसे आएगी, बल्कि हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटा जल्द से जल्द पूरा हो जाए और हम अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेंगे। लेकिन गाइज अगर हम उसी टाइम अगर ये बात को ध्यान देते कि हमें व्यूज की जरूरत है, अगर हमारी इस वीडियो पर व्यूज आएगी और हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगा तो हम जो है कि मोनेटाइज पूरा कर लेंगे, 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली और 4000 वॉच टाइम घंटा पूरा हो जाएगा, तब जाके हम अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेंगे तो हमारी जो है कि अर्निंग आने ही लगेगी। लेकिन गाइज हम इस चीज पर फोकस नहीं करते, हमें सिर्फ अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करवाने का ध्यान रहता है, अपने चैनल को ग्रोथ या अपने वीडियो पर व्यूज लाने का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन गाइस जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके साथ ये प्रॉब्लम 100% हो जाती है, जो कि आपका वहाँ पे $10 भी पूरा होना महीने में मुश्किल हो जाता है, तो $100 पूरा होने की बात है। तो ये प्रॉब्लम होती है गाइस कि आपके मोनेटाइजेशन होने के बाद भी आप वहाँ पे खुश नहीं हो पाते हो और आपके वहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज ही नहीं हो पाती है, क्योंकि गाइस आपकी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा एड नहीं चलते हैं। अगर आपके वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा एड चलेंगे तभी आपके रेवेन्यू बनेंगे। लेकिन गाइस ज़्यादा से ज़्यादा एड चलने के लिए उनके वीडियो पर व्यूज़ भी आना चाहिए, उनका वीडियो को देखना भी चाहिए ऑडियंस को, तभी आपके वीडियो पर एड्स चलेंगे, तभी आपके रेवेन्यू इंक्रीज होगी। आप वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हो कि अब मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डाल पाऊँगा और आपकी वीडियो डालने का मन भी नहीं करता है, तो गाइस ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप अभी भी ध्यान लगा के काम करोगे और आप मेहनत करते रहोगे, आप अपने अच्छे कॉन्टेंट लाओगे, सर्चेबल कॉन्टेंट लाओगे, तभी आप यहाँ पे आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएगी और आपका ऑडियंस की दिल को जीतोगे और कोई भी इधर उधर की कॉन्टेंट नहीं डालोगे तो आपका यहाँ पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा और आपकी रेवेन्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और आप आने वाले टाइम में 100% मैं कहता कि आने वाले टाइम में आपका रेवेन्यू इंक्रीज होने लगेगा और आप अच्छे खासे अर्निंग करने लगोगे। तो गाइस ये प्रॉब्लम होती है, तो गाइस अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में जरूर बता देना। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बताने वाला था, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि मोनेटाइजेशन होने के बाद भी क्रिएटर से हैप्पी क्यों नहीं होते हैं और उनका रेवेन्यू क्यों नहीं इंक्रीज होता है और उनके क्या गलती के कारण से नहीं होता है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं इसी कि कोई नॉलेजेबल वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर से अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।